बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर टीवी कनाडा की जानिब से आपका मेज़बान सैयद हैदर अब्बास रिज़वी हाज़िर ख़िदमत है अपने प्रोग्राम कहाँ गए वो लोग के साथ। मौज़ूद नाज़रीन, हमने अपने पिछले एपिसोड में मरहूम नजमा अफंदी साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबसरा किया और मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन जिनकी उन्होंने खिदमात की थी, जिस पर उनकी तवा आज़माई है, उसके बारे में गुफ्तगू की। हम आज गुफ्तगू करेंगे सलाम, मर्सिये और उनकी मंजूमात पर। डॉक्टर तकी आबदी साहब का कहना है कि अल्लामा नजम अफंदी की शायरी अदब बराए अदब नहीं बल्कि अदब बराए हदफ बन जाती है। अल्लामा नजम अफंदी मरहूम ने एक मिशन शुरू किया था और वो उनका मिशन था असनाफ़ सुखन को तशहीर व तबलीग का ज़रिया बनाना। उन्होंने अपनी नौहानिगारी में, अपने मरासी में, अपनी मुख्तलिफ सलामों में, मनकबत में इसी तरह का पैगाम दिया और हुसैनियत की तबलीग की। ये दो शेर उनके मुलाहिज़ा फरमाएं। वो एक जगह कहते हैं कि नहीं ये शान किसी दर्द के फसाने की, नहीं ये शान किसी दर्द के फसाने की, गमे हुसैन में कुदरत है दिल बनाने की। और एक जगह वो ये दो मिसरे उनके काबिल समात हैं कि तरबियत की जहन इंसान की गमे शब्बीर ने, साहेब दिल बन गए जो गम के खूगर हो गए। मैं चाहूँगा कि मरहूम अल्लामा नजम अफंदी साहब के सलाम से ये तीन अशार भी पेश किए जाएं कि तेरा नफ्स मुतमईन कुरान का दिल है हुसैन, तेरा नफ्स मुतमईन कुरान का दिल है हुसैन, मकसद खिलकत तेरे सजदे का हासिल है हुसैन, तू ही तू है आरिफ कामिल बिनाए ला इलाह, तू ही इल्लल्लाह की तफसीर कामिल है हुसैन, और मुझसे तू और तुझसे मैं हूँ कौल पैगंबर का है, मुझसे तू और तुझसे मैं हूँ कौल पैगंबर का है, ये शरफ तन्हा तेरी हस्ती को हासिल है हुसैन। मौसिस नाजरीन, अल्लामा नजम अफंदी के एक मर्सिये मिराज फ़िक्र पर तबसरा करते हुए 20वीं सदी के मशहूर और मरूफ नक़ाद प्रोफेसर मरहूम एहतशाम हुसैन साहब कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इस मर्सिये को न सिर्फ अकीदतमंदों के हलके में मकबूलियत हासिल होगी बल्कि इसका अदबी हुस्न, शायराना खलूस और फनकाराना बयान इसका मुतालिया करने वाले वालों के हलके को वसी करेगा और इससे वो मकसद पूरा होगा जो शायर के पेश नज़र था, यानी लोगों में वाकई करबला के ताल्लुक से गौर व फिक्र का वो जज्बा पैदा हो जिसका ताल्लुक इसके रूह परवर और जाँ फिज़ा पैगाम से है। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन साहब यकीनन उसी मकसद की निशानदेही कर रहे हैं
जो अल्लामा की शायरी का खासा था, यानी तबलीग व तशहीर हुसैनियत। आइए मरसिया मेराज फ़िक्र से एक बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। कुछ हुस्न की नमूद थी, कुछ इश्क का मिजाज, आया नज़र जो सब्र व शुजात का इम्तिजाज। हक ने रखा शहादत अजमा का सर पे ताज, मिलता है आसमों का जिसे आज तक खराज। मुट्ठी में था लिए हुए मौतो हयात को, मुट्ठी में था लिए हुए मौत और हयात को, किस दबदबे से फतह किया कायनात को। मौज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब अल्लामा मरहूम नजम अफंदी साहब की मनकबत गोई पर भी एक नज़र डालते हुए चलते हैं। डॉक्टर तकी आबदी साहब अपनी किताब कायनात नजम के हिस्सा दुवम में फरमाते हैं कि नजम ने अपने मनाकिब और कसायद में भी वही रविश अख्तियार की जो नौहा निगारी में मौजूद थी, यानी नजम ने अखलाकी कदरों और किरदार साजी के साथ साथ अज़्म व इरादा और इस्तिक़लाल का पैगाम दिया। एक मनकबत के तीन अशार पेश खिदमत हैं कि मिधत न की अली की गर आखिरी नफस तक, ये मर्ग शायरी है और खपत शायराना, हर शजर तसव्वुफ उस तक पहुँच रहा है, हर शजर तसव्वुफ उस तक पहुँच रहा है, लेकिन कहीं किसी ने न बात न लेकिन कहीं किसी ने न की बात मुनसिफाना, जब हक का मसला हो डरता नहीं किसी से, जब हक का मसला हो डरता नहीं किसी से, वरना मेरी रविश है अक्सर मसालेहाना। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्बत से मनकबत के ये दो शेर भी काबिल समात हैं कि हर उफक पर है तरी हुस्न अमल की रोशनी, तू ही दुनिया के अंधेरे का उजाला है हुसैन, और जुर्रत मज़लूम हो या हिम्मत मज़दूर हो, जुर्रत मज़लूम हो या हिम्मत मज़लूम हो, तूने खींचा था ये मुस्तकबिल का खाका ए हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा मरहूम ने अपनी सारी ज़िंदगी असनाफ सुखन और रसाई अदब के ज़रिए ख़िदमत मोहम्मद व आले मोहम्मद की है। आप अहले बैत से वालेहाना मोहब्बत रखते हुए भी आपके पास कोई ऐसी सबील न थी कि ज़ियारा से मुकामात मुक़द्दसा का कस्द करते। माली मुश्किलात इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते थे कि कभी इस बात का कस्द किया जाए। ख़ुद अल्लामा मरहूम ने लिखा है कि 1949 और 1950 के दरमियान मरहूम के एक दोस्त नवाब शहीद यार जंग मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जा रहे थे और अल्लामा ने ये एक नज़्म अर्ज़ दाश्त उन्हें लिख कर दी। उस नज़्म से ये तीन शेर यहाँ पेश किए जा रहे हैं। आप हज़रात इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर बेचैन थे, कितनी तड़प रखते थे ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा की। नजम अफंदी मरहूम कहते हैं कि शिकस्त पा की दुआए तेज़ गाम लेता जा, मेरा सलाम हुजूर इमाम लेता जा, हदें मैं तोड़ने वाला हूँ कैद हस्ती की, तयुनात के ये सुबह शाम लेता जा, मैं दो कदम भी तेरे साथ चल नहीं सकता, मैं दो कदम भी तेरे साथ चल नहीं सकता, मेरा ख्याल ही दो एक गाम लेता जा। और उसके चंद माह बाद अल्लामा मरहूम के एक दोस्त सैयद मुजीज़ हुसैन आबदी नौगानवी जो सफ़र ज़ियारात पर जा रहे थे, अल्लामा ने ये दो मिसरे उन्हें लिख कर दिए और हिदायत की
कि इन्हें ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में लगा दिया जाए। मौजूद हुसैन साहब ने अल्लामा की हिदायत पर अमल किया। चंद माह बाद मौला की जानिब से अल्लामा की तलब हुई और वो ज़ियारत से करबला के लिए रवाना हुए। वो दो मिसरे अल्लामा मरहूम नजमा फंदी साहब के मशहूर ज़माना मिसरे हैं कि ज़ौक़े तात चाहता है एक सजदा ऐ हुसैन, ज़ौक़े तात चाहता है एक सजदा ऐ हुसैन, मैं कहाँ ढूंढूं तेरा नक्शे कफ़े पा ऐ हुसैन। अल्लामा मरहूम ने अपने तासुरात ते ज़ियारत नज़्म और नसर दोनों ही तरह से तफसीलन कलमबंद किए हैं। हम यहाँ सिर्फ चंद अशार पेश कर रहे हैं ज़ियारत करबलाए मौला की नस्बत से। सरजमीन करबला पर पहुँच के उन्होंने ये तीन अशार कहे थे कि अस्सलाम ऐ जलवा आराए ज़मीन करबला, ऐ सरापा हुस्न ऐ हुस्न आफरीन करबला, अल्लाह अल्लाह मेरी नज़रें और ये ईवान बुलंद, अल्लाह अल्लाह मेरे बोसे और जबीने करबला। जिक्र जन्नत का सुना है इससे आगे क्या कहूँ, जिक्र जन्नत का सुना है इससे आगे क्या कहूँ, ऐ मेरी देखी हुई जन्नत जमीने करबला। मौजूद नाजरीन, अल्लामा मरहूम ने जहाँ रसाई अदब में खिदमत आले मोहम्मद में कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं, वहीं अपने वक्त से कमज़ोर तबके यानी मज़दूर और किसानों की हिमायत में भी आवाज़ बुलंद की। डॉक्टर तकी आब्दी साहब कहते हैं कि सरमायादारी के ख़िलाफ़ सबसे पहली आवाज़ अल्लामा नजमा अफंदी मरहूम ने बुलंद की थी। मुतअद्दिद मंजूमात हैं अल्लामा मरहूम की। हम यहाँ दो क़िताब पेश करते हुए इस गोशे पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अल्लामा मरहूम कहते हैं कि जब लुत्फ़े हयात में कमी पाता है, जब लुत्फ़े हयात में कमी पाता है, जब शिद्दत आलाम से थक जाता है, मुनिम तुझे उस वक्त में भूले से कभी मज़दूर की मेहनत का ख़्याल आता है। और मशहूर नज़्म है अल्लामा मरहूम की, किसान की फरियाद, उसके चंद मिसरे हाजिर खिदमत हैं कि शहर के रहने सहने वालों, गाँव को जंगल कहने वालों, ये है एक निराली बस्ती, माया महंगी बिपता सस्ती, भेद ये क्या है साफ बता दूँ, दुनिया का इंसाफ बता दूँ, खेती का है काम अनोखा, काम का ये इनाम अनोखा, मेहनत का ये फल है न्यारा, भूसा मेरा नाच तुम्हारा। मौजूद नाजरीन, ये थे वो कारहाए नुमाया जो अंजाम दिए मरहूम मिर्ज़ा तजम्मल हुसैन नजम अफंदी मरहूम ने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत मोहम्मद आले मोहम्मद की, खिदमत इंसानियत की। इंतहाई खलूस, सादगी, मुरव्वत और जज्बे हमदर्दी के साथ अपनी पूरी उम्र गुजारी। आज अल्लामा हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। वो आज भी दुनिया के करोड़ों इंसानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं और रहती दुनिया तक हमेशा हुकूमत करते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि बेहतरीन तोहफ़ा है उनके लिए एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर उनकी रूह को इसाल कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, इल्तमास दुआ। इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर खिदमत होंगे। खुदा हाफिज़।